हेलो फ्रेंड्स, मितूज किचन में आप सभी का स्वागत है। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही टेस्टी क्रिसमस स्पेशल मार्वल चॉकलेट रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बहुत पसंद करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है और आप अपने बच्चों के लिए अपने हाथों से घर पर बिना गैस जलाए ये चॉकलेट बना सकते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप सभी ने मेरी डेरी मिल्क चॉकलेट की रेसिपी को बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप चाहें तो क्रिसमस पर वो रेसिपी भी ट्राई कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चाहें तो वहां से ये रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम मार्बल चॉकलेट बनाना शुरू करते हैं। मार्बल चॉकलेट बनाने के लिए यहाँ मैंने 100 ग्राम व्हाइट कंपाउंड का यूज़ किया है। इस तरीके का ये पैक बाजार में बहुत आसानी से मिल जाता है। ये 400 ग्राम्स का मोडे का वाइट कंपाउंड है, जो कि बहुत ही सस्ते और कम दामों पे आपको मार्केट से मिल जाएगा, और इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। सबसे पहले हमें कंपाउंड को मेल्ट करना होगा, तो इसे मैं माइक्रोवेव में मेल्ट करने वाली हूँ। 20-30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में रख के इसे मेल्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसे डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर सकते हैं। मैं अपनी बहुत सारी चॉकलेट रेसिपीज में डबल बॉयलर मेथड यूज कर चुकी हूं, तो आप चाहें तो मेरे चैनल की और भी चॉकलेट रेसिपीज देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चॉकलेट को मैंने 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लिया और चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। चॉकलेट को अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें बढ़िया सी शाइन आ जाए। जितना चॉकलेट को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उतना ही बढ़िया टेस्टी और ग्लोसी चॉकलेट रेडी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसमें से एक एक चम्मच इन तीन बाउल्स में निकाल लेते हैं। इसी तरीके को फॉलो करके अलग अलग कलर में जो आपका मनपसंद कलर हो उससे चॉकलेट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने तीन भागों में चॉकलेट को डिवाइड कर लिया है, तो अब हम इसमें एक भाग में ब्लू फूड कलर मिलाएंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ आपको जेल कलर या फिर लिक्विड फूड कलर का ही इस्तेमाल करना होगा, आप इसमें पाउडर कलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अभी मैं इसमें एक ड्रॉप ब्लू कलर डाल देती हूँ। तो एक भाग में हम एक ड्रॉप ब्लू कलर डाल देंगे और इसे डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मुझे अभी थोड़ा सा लाइट लग रहा है, इसे मैं थोड़ा सा और ब्लू कलर डाल देती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो बाकी दो बॉल्स हैं, इन्हें मैं साइड में रखूँगी, इनकी चॉकलेट मैं बाद में बनाकर तैयार करूँगी। तो हमारा ब्लू कलर बिल्कुल तैयार है, मैं इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बना रही हूँ। आप कलर की जो क्वांटिटी है वो अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ब्लू कलर की चॉकलेट मेरे पास रेडी है और ये मैंने व्हाइट चॉकलेट ले ली है। दोनों तरह की चॉकलेट रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ मैंने ये एक मोल्ड लिया है, इसे सिलिकन मोल्ड बोलते हैं, जो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। आप किसी भी डिज़ाइन का सिलिकन चॉकलेट मोल्ड ले सकते हैं, और अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप घर की आइस ट्रे में भी इस चॉकलेट को बना सकते हैं। यहाँ मैंने अखरोट को बिल्कुल बारीक काट कर ले लिया है और थोड़े से काजू को भी बिल्कुल बारीक काटा है, क्योंकि मैं इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ बना रही हूँ। आप चाहें तो बिना ड्राई फ्रूट्स के बिल्कुल सिंपल चॉकलेट बना सकते हैं। तो अब हमने मोल्ड में ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा थोड़ा फैला दिया है अच्छे से, और इसके ऊपर अब हम वाइट चॉकलेट डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपकी चॉकलेट ठंडी हो जाती है तो आप इसे फिर से माइक्रोवेव में डालकर मेल्ट कर सकते हैं। हल्का सा चॉकलेट डालने के बाद इसे टैप करेंगे और इसके ऊपर मैं ये ब्लू चॉकलेट जो हमने रेडी किया है उसे थोड़ा थोड़ा फैलाऊंगी, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ इफ़ेक्ट देना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप इसके अपोजिट भी बना सकते हैं। आपको ब्लू कलर का चॉकलेट चाहिए तो आप ब्लू बेस नीचे डालिए और वाइट बेस का मार्वल इफ़ेक्ट दे दीजिए। आपको जैसा चॉकलेट पसंद हो वैसा बना सकते हैं। मैं यहाँ ब्लू चॉकलेट से मार्वल इफ़ेक्ट दे रही हूँ। तो इस तरीके से मैं ये टूथपिक लूँगी और टूथपिक से हम इसे हल्का हल्का सा फैला देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया सा इफ़ेक्ट हमारी चॉकलेट पे आया है। इसी तरीके से हम सारी कैविटीज़ को फिल कर लेते हैं। तो ये मैंने सारी कैविटीज़ को फिल कर लिया है और इसे हम फटाफट से फ्रिज में 5 मिनट के लिए जमने के लिए रख देंगे। जितना भी साइड में एक्स्ट्रा चॉकलेट लगा है उसे हटा लेते हैं।
5 मिनट हो चुके हैं, मैंने चॉकलेट को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और अब ये हमारी चॉकलेट बिल्कुल तैयार है, तो इसे हम मोल्ड में से निकाल लेते हैं। ये मोल्ड में से बहुत ही इजीली निकल आती है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी प्यारी चॉकलेट बनकर रेडी हुई है। और फ्रेंड्स, यहाँ रोशनी की वजह से कलर जो है वो बिल्कुल सही से क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब आप इसे अपने घर में ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी सुंदर प्यारी चॉकलेट रेडी हुई है। ये जो कलर इफेक्ट आया है लाइट का, उसके वजह से आपको एकदम से क्लियर नहीं हो पाएगा। और ये देखिए दोस्तों, हमारी मार्बल इफेक्ट की टेस्टी चॉकलेट रेडी हो चुकी है और ये कितनी प्यारी बनी है। एक तरफ से यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का लुक है और एक तरफ से हमारा कलरफुल प्यारा मार्बल इफेक्ट है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। इस तरीके से आप चॉकलेट बनाकर इन्हें रैप करके अपने बच्चों को गिफ्ट कीजिए। आप इसे अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में भी गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सी यमी मार्बल चॉकलेट, वो भी एक हेल्दी ट्विस्ट के साथ हमने इन्हें बनाकर तैयार किया है। तो इस तरीके से इस क्रिसमस पे आप ये मार्बल चॉकलेट ज़रूर रेडी करें, बहुत ही प्यारी लगती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा लुक आया इन चॉकलेट्स का। तो ये चॉकलेट्स आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में रेसिपी को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।